नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुद्रा लोन के मेगा कैंप में उद्यमियों को राशि के चेक किए वितरित। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कुसुम महदेले ने एग्रो के संचालक मंडल की बैठक को किया संबोधित। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का शुभारंभ कर किया अवलोकन। और अब खबरें विस्तार से। आदिवासी वर्ग के 4 विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में शामिल होने ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड जाएंगे। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह ने ये जानकारी उत्कृष्ट खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में दी। मंत्री ज्ञान सिंह ने बताया कि राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस वर्ष विभाग के 4 विद्यार्थी कुमारी ज्योति, सीमा, सरिता धार जिले से और मुकेश नलवाया इंदौर जिले से 21 से 29 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने के लिए एडिलेड ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। मत्स्य विकास और मछुआ कल्याण मंत्री कुसुम महदेले ने आज मत्स्य महासंघ की वार्षिक आम सभा में मछुआरों के बच्चों को उच्च शिक्षा और कन्याओं के विवाह के लिए 2 नई योजना लागू करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महासंघ के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों के बच्चों को उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए निषाद राज छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। महदेले ने कहा कि मछुआरों की कन्याओं के विवाह एवं गृहस्थी बसाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की तरह 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का नाम मुख्यमंत्री मीनाक्षी विवाह योजना रहेगा। आमसभा में प्रमुख सचिव मत्स्य विकास अरुण कुमार तिवारी, प्रबंध संचालक यूके सुबुद्धि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। और गृह मंत्री बाबूलाल गौर आज संत हिरदाराम जी के 110वें जन्म दिवस पर संत हिरदाराम नगर स्थित उनकी कुटिया पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं की लंबी कतार में शामिल होकर समाधि स्थल की परिक्रमा की और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गृह मंत्री ने संत जी के बताए रास्ते पर चलने की लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें शुरू से संत जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। परमार्थ की भावना के मूल्य उन्होंने संत जी से सीखे। आम आदमी की चिंता और स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संत जी लगातार प्रयास करते रहे। हमें उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ना है। मेडिकल कॉलेज दतिया के निर्माण की नियमित समीक्षा की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दतिया मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक वर्ष 2016 से अध्यापन प्रारंभ करने की दिशा में विभाग स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। शुरुआत में 100 सीट्स के साथ महाविद्यालय कार्य शुरू करेगा। दतिया जिला माँ पीताम्बरा के साथ ही अन्य अनेक पर्यटन महत्व के स्थान के कारण जाना जाता है। जिले में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज दतिया के विकास यात्रा में अहम कड़ी होगी। दतिया के समग्र विकास में जिले के नागरिक भी सहभागी बन रहे हैं। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इन प्रयासों में जागरूक नागरिकों का भी अहम योगदान है। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरें आप EMS TV के ऐप पर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।